जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग तो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है या जो चल रहा था लास्ट वो था रैंडम वेरिएबल इसके अंदर हम लोगों ने डिस्क्रीट पर वर्क किया आज हम लोग कंटिन्यूस पर वर्क करेंगे मैं हल्का सा ओवरव्यू दे दूं पहले कि हम लोगों ने क्या क्या किया प्रीवियस में या आप लोग उस लेक्चर को पहले कम्प्लीटली देख लें उसके बाद ये नेक्स्ट जो आज का लेक्चर है इसको आप देखिएगा छोटा सा ओवरव्यू दूँ तो हम लोगों ने इस टाइप से रैंडम वेरिएबल पर बात की मैंने एक छोटा सा हिंट दिया आप लोगों को कि सपोज दो क्वाइन है दो क्वाइनों को हमने टॉस किया जाता है तो टॉस करने के बाद ये सैंपल स्पेस बन सकते हैं हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हैड, या टेल टेल, या तो टू, थ्री, फोर, चार सैंपल स्पेस हो गए हैं लेकिन अगर मैं केवल हेड के रेस्पेक्ट में बात करूं तो टू है एक है एक है और जीरो है तो जीरो वन और टू ये तीन आप लोग के रैंडम वेरिएबल हो गए इसी टाइप से सम अगर निकालना था तो सम टू डाइस का तो फिर ये सैंपल स्पेस हो गया इसी टाइप के और एग्जाम्पल लिए जाए उनको फिर डिवाइड किया जाए तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में ब्रेक कर लेते हैं हम लोग डिस्क्रीट में आप लोग के वन टू थ्री फोर फाइव चलते हैं कंटिन्यूस में जैसे आप लोग का हाइट है वेट है टेम्परेचर है ये सब एग्जाम्पल कंटिन्यूस में आ जाते हैं ये सब मैं बात कर चुका हूं बहुत आराम से इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई थी डिस्क्रीट की और कंटिन्यूस की डिस्क्रीट पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में बात की आज हम लोग कंटिन्यूस पे करेंगे इसके बाद हम लोगों ने ये सब चीजें वर्क की कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होता है ये सब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे मैंने वर्क किया दो प्रॉपर्टी बताई आज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आएगा क्योंकि वो कंटिन्यूस पे वर्क करेगा तो उसके फॉर्मुले या उसके जो भी टर्म होंगी उनको मैं इनके साथ में ही पहले शो करके दिखाता रहूँगा कि यहाँ पर मीन ये था अब यहां पर मेन ये है तो सब मैं आपको एक आगे बताने वाला हूं मीन वेरिएंस ये सब फॉर्मूले कल हो चुके हैं ठीक है मीन का फॉर्मूला ये है ये सब चीजें हो चुकी थी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर डिस्क्रीट की बात चल रही है तो कंटीन्यूअस में आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ ये सब हम लोगों ने किया नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी की थी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था छोटा सा कि कोई भी डेटा गिवन है जिसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं उसकी हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन अराइज हुए थे वैल्यू ऑफ के ये वैल्यू गिवन है प्रोबेबिलिटी इनमें के क्या है तो हम क्या करेंगे एक प्रॉपर्टी होती है इन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन सभी प्रॉपर्टी को इसको भी ऐड कर दें ऐड कर दें तो वो बन आ जाती है तो वही हमने यहाँ ऐड किया था फिर वैल्यू आ गई थी डॉट 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 ये सब किया हमने इसके बाद वेरिएंस पर काम किया ये सब प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है आराम से आप देख लीजिए इस पर टाइम मैं नहीं दे रहा हूं ठीक है आज आते हैं हम यहां पर रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इससे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये डिस्क्रीट पर वर्क करता है जब फंक्शन डिस्क्रीट होता है इसकी दो प्रॉपर्टी थी मैं पहले लिए लेके चल रहा हूं दोनों को जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इन पर मैं अगर बात करूं यहां पर जो डेटा होता था प्रोबेबिलिटी होती थी या रैंडम वेरिएबल थे रैंडम वेरिएबल वो वन टू तो, थ्री की फॉर्म में चलते हैं यहां पर रैंडम वेरिएबल जो चल रहे हैं वो ए और बी के बीच में चल रहे हैं भाई सपोज हाइट है फाइव फुट से सिक्स फुट तो बीच में हो सकती है इंटरवल में यहां नहीं होती है कि, कि किसी बच्चे की हाइट पांच है फिर डायरेक्ट छः ही होगी क्या ये डिस्क्रीट में तो ऐसा यहां नहीं होगा अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी भी दो थी अब यहां पर भी कुछ प्रॉपर्टी है ये पर भी फंक्शन होता था लेकिन यह फंक्शन फिलहाल डिस्क्रीट का का था यहां फंक्शन है प्रॉपर्टी जो कि काफी हेल्प करेंगी फंक्शन एफ टू बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ नंबर वन प्रॉपर्टी है फंक्शन जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होगा यहां पर भी ऐसा ही था यहां पर मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहाँ से आया आप लोगों का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से अब है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा पार्ट जैसे यहां पर समेशन किसी फंक्शन का लेते हैं तो वन आता है यहां पर आप इंटीग्रेशन लोगे माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ एक्स तो वन आएगा मैं इसको लिख देता हूं तीसरी प्रॉपर्टी ये तो दो प्रॉपर्टी यहां पे थी दोनों बराबर आ गई इंटीग्रेशन में ऐसा भी तो हो सकता है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा ये आपने पढ़ा है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पॉइंट होते हैं ए और बी उनके बीच का एरिया निकालना होगा तो भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं और इसको इंटीग्रेशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता था या हम कर सकते हैं A से बी तक ऐसे इंटीग्रेशन को मैं ऐसा भी कर सकता हूं ठीक है ये काफी हेल्प करेगा नॉर्मल में आप लोगों को जो पढ़ चुके हैं बहुत अच्छा है Under the, under to to yani एरिया अंडर एक्स बिटवीन कोऑर्डिनेट कॉर्डिनेट इक्वल टू बी यानी ए और बी के बीच का एरिया कभी निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे आप लोग ए से बी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में इस टाइप से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये मैं आपको पहले कह चुका हूं यहां नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इससे जनरेट होता है आगे चल के और डिस्क्रीट में पॉइजन और आपका बाइनोमियल ये दो मेथड काफी इंपॉर्टेंट है ये वहां पर यूज होंगे तो एरिया अंडर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ठीक अब कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए मैं छोटा सा एक नोट लिख दूं यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज ये रहते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी इस सिंबल का मतलब होता है कि ए <coughs> और बी इंक्लूड नहीं है अगर ये हो जाए अगर ये हो जाए ए और बी भी इंक्लूड हो जाए या केवल बी इंक्लूड हो जाए तो इन सब का मीनिंग एक ही होता है इन सब का मीनिंग एक ही होता है ये नॉर्मल में काफी हेल्प करेगा कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए है ये अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटीग्रेशन सेम रहता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि अगर किसी एक पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हैं आप एक पॉइंट का एरिया होता है जीरो तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा तो उसको इग्नोर करते हैं ठीक है कंट्रीस में नहीं होता है दूसरे में होता है डिस्क्रीट में तो होता ही नहीं है इन केस ऑफ डिस्क्रीट दूसरा अगर बाई चांस किसी एक पॉइंट पर किसी एक पॉइंट पर केवल एक पॉइंट का ही एरिया निकालना है जो कि जीरो आता है जैसे क्वेश्चन है आगे चल के नॉर्मल में मिलेगा अगर आपने नॉर्मल में किया है तो एक सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल लू आपकी क्लास में 15 मार्क्स से 20 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं मेनी स्टूडेंट पूछे जाए तो मैं क्या करूंगा 15 और 20 मार्क्स को जेड में कन्वर्ट करूंगा जेड में होता है ये, ये नॉर्मल में जाके मिलेगा आप इतना टेंशन यहाँ ना लो 15 और 20 को जब मैं कन्वर्ट करूंगा जेड में सपोज सपोज वो टू और थ्री आ गए तो टू और थ्री के बीच का एरिया निकाल दीजिए लेकिन अगर बाय चांस आपसे पूछा ही जा रहा है कि केवल 6 शिक्स, 16 पर केवल 16 या 16 है सपोज कहीं पर एक ही पॉइंट पर एक पॉइंट का एरिया आप लोग नहीं निकाल पाएंगे तो ऐसे में अगर किसी एक फिक्स पॉइंट का एरिया निकालना हो तो फिर हम लोग 15.5 से 16.5 के बीच का एरिया निकालते हैं वो प्रोबेबिलिटी काउंट होती है अगर किसी एक पॉइंट पर हो तो ठीक है मैं देखता हूँ मेरे पास है तो आ, ये लगभग था ये था नॉर्मल में मैं आपको दिखा देता हूं जैसे ये क्वेश्चन थे नॉर्मल में या आपके मिलोगे नॉर्मल में इसमें है मोर मोर देन 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 15 15 15 लेस 6 का मतलब होगा और उससे आगे का सारा एरिया ये भी ठीक ये भी ठीक लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि आपको मिलेगा यहाँ ये है जैसे हाउ मैनी स्कोर सिक्सटीन केवल सिक्सटीन पर सिक्सटीन होगा सपोज यहाँ ये 16 है तो इस पॉइंट का इस लाइन का एरिया जीरो होगा ऐसे में इसको हम 15.5 से 16.5 करते हैं, ठीक है मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है आप वहां जब देखेंगे तो मिल जाएगा आपको चलिए मैं आगे बढ़ता हूं लोग। जो चल रहा था हम लोगों का पर ठीक? चलिए आइए तो ये सब बात चल रही थी हम लोगों की मैंने एरिया सब बता दिया है ये वाला तो हम कभी भी अगर एक पॉइंट पर पूछेगा तो हम लोग ए में कुछ माइनस और कुछ प्लस यानी प्लस फिफ्टीन है तो फोर्टीन पॉइंट कर देंगे हाफ प्लस कर देंगे तब हम उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं ये छोटे पॉइंट थे मैंने नोट करा दिए चलिए तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन चल रहा था डिस्क्रीट में अब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहां समेशन लेते हैं यहाँ इंटीग्रेशन लेते हैं चलिए आगे बढ़िए जरा आगे की स्टोरी क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में और क्या क्या था डिस्क्रीट की वो ये थे मीन का ये फॉर्मूला था एक्सपेक्टेशन का ये फॉर्मूला था वेरिएंस का ये फॉर्मूला था और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का तो ये थे ही तो अब मैं क्या इधर यानी कंटिन्यूस में मीन क्या होगा वेरिएंस क्या होगा ये सब क्या होंगे इनके फॉर्मूले लिख देता हूँ लगभग वही है बस इंटीग्रेशन आ जाता है जैसे मीन जरा तो इसको देखो और इसको देखो ये वाला एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही है पी ही एक तरह से उसका केवल इंटीग्रेशन लिया है यहाँ पर समेशन लिया है एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन मीन को ही कहते हैं तो सेम कॉपी पेस्ट है चेक कर लो बस इसको ई e से रिप्रेजेंट करते हैं वेरियंस चेक करो वेरिएंस का फॉर्मा सेम होगा म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर ये रहा एक्स ये है पी वही प्रॉबलिटी है बस ये फंक्शन कंटिन्यू चल लिख दिया है यहां पर है समेशन यहां पर है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो चलेगा अगर कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेशन तो चलेगा ये पीछा नहीं छोड़ेगा इन फ्यूचर भी याद रखो कंटिन्यूस है और कभी इस टाइप से आता है तो इंटीग्रेशन ही होता है समेशन नहीं लग सकता उसके अंदर और डिस्क्रीट में आपका हमेशा वही लगता है चलिए ये हो गया मेन एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस के प्रॉब्लम जो पहले होती थी अब इसमें एक चीज और है वो है डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ एक्स एक नई चीज है थोड़ी सी अभी आपको मैंने पी डी एफ प्रोवर्टी डाय फंक्शन समझाया वो होता है स्मॉल एफ एक्स ये है कैपिटल एफ एक्स और ये निकालने का मेथड होता है जो स्मॉल एफ एक्स है उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए माइनस इंफिनिटी से प्लस एक्स के बीच और उल्टा अगर कभी करना हो स्मॉल निकालना हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए ये भी आप जानते हैं सिंपल समझिए फिर से ये पूछा जाएगा इस पर काफी क्वेश्चन हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोले कम्युटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोले यानी कैपिटल एफ कैपिटल एफ एक्स एक होता है स्मॉल एफेक्ट्स पी डी को बोलते हैं स्मॉल और कैपिटल बोलते हैं कम्युनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब कभी कैपिटल पूछेगा तो आप ये फॉर्मला लगाओगे इसको नोट कर लीजिएगा अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पर है और स्मॉल तो स्मॉल तो आपके हैं ही सभी है? अगर कैपिटल से स्मॉल कन्वर्ट करना हो तो डिफ्रेंसिएशन कर देंगे ये सब हम लोगों को करना है चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ एक दो मैं लिखा देता हूँ क्योंकि हाँ ये थोड़ी चीज़ें सर के ऊपर जाने वाली लग रही हैं लेकिन नोट्स मिलेंगे तो कम से कम प्रॉपर्टीज वगैरह आपके पास हों और लेक्चर आपको लगे कि हाँ सारे कंप्लीट डेटा आपके पास है अभी तो आपको लग रहा है बर्डन सा ये सब चीज़ें क्या है लेकिन धीरे धीरे लेक्चर्स कंप्लीट होगा तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा तो ये फॉर्मूला एक ये हुआ एक ये हुआ एक ये हुआ एक ये हुआ और कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं जो हेल्प करेंगे आपकी चलिए मैं आता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल पर उसकी हेल्प से समझते हैं कि क्या हो रहा है कैसे कैसे करेंगे टॉपिक चल रहा है रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस जी इसको स्टार्ट करना है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमेशा याद रखिएगा मेरे जितने भी लेक्चर होंगे उनकी जो पीडीएफ है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूं ठीक है हर एक लेक्चर उसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी प्लस उसी के साथ में नीचे ही कहीं पर एक क्वेश्चन बैंक का भी लिंक होगा यानी टोटल पांचों यूनिट का डेटा उसको भी डाउनलोड कर लीजिए वो काफी हेल्प करेगा आपके उसके अंदर हर एक क्वेश्चन में जो सॉल्व है उन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट वीडियो वहीं से ओपन हो जाती है जी तो एग्जाम्पल इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स ये गिवन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो ये के क्या है के की वैल्यू बतानी है उसके साथ में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बताना है आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिनोट करते हैं कैपिटल से अभी किया था ना मैंने पीछे मैं दिखा देता हूं ये सब ये रहा ये सब कैपिटल एफ एक्स इस टाइप से हम लोग निकालेंगे ठीक है चलिए जी तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं के फाइंड आउट कर रहे हैं चलिए अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है जरा देख लेते हैं क्या है जी डेंसिटी फंक्शन इससे पहले बोथी पीछे जाइए जरा ये डेंसिटी प्रॉपर्टी नंबर फंक्शन जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा दूसरा अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन लोगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो वो वन आएगा इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा मैं आ जाते हैं सबसे पहले अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो फिर इस रूल को फॉलो करेगा यानी ए से बी फंक्शन यानी माइनस इनफिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दूं तो आंसर वन आना चाहिए बस इसी की हेल्प से मैं फाइंड आउट कर लूंगा तो आप जरा इसको देखिए तो बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है यह हो जाएगा राइट right? दूसरा बात ये लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक रूल होता था माइनस ए टू एन अपन एफ एक्स अगर ये फंक्शन इवन होता है तो ये डबल ऑफ जीरो हो जाता है और अगर ये ओड होता है तो जीरो होता आंसर तो ये इवन नंबर है इवन फंक्शन है इवन फंक्शन किसको कहते हैं अगर उस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स भी रख दूं तो भी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जैसे सपोज एक्स स्क्वायर फंक्शन है एक्स स्क्वायर में टू रखिए या माइनस टू रखिए सेम आंसर आएगा तो ये है इवन और एक्स केवल एक्स जो है वो है ओड तो अब मैं क्या करूंगा इसको कर दूंगा डबल ऑफ जीरो के अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अब ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स का तो मैं इसको कर सकता हूं टू बाहर डबल हो गया था के बाहर और टेन इनवर्स एक्स लिमिट जीरो टू इंफिनिटी इसके बाद एक लाइन है डबल ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी के अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका टू वन अब मैं जब इसका करूंगा ये के बाहर ये रहा ये टू बाहर ये रहा टेन इनवर्स एक्स अब एक बार इन्फिनिटी रखूंगा एक बार जीरो रखूंगा रख देता हूँ टेन इनवर्स इन्फिनिटी और जीरो पाई वाई टू को ये हो जाएगा पाई वाई टू बाहर टू के बाहर है ही माइनस टेन इनवर्स जीरो जीरो को वैल्यू होती है मालूम होगा स्कल टू वन तो टू से टू कैंसिल यहां से की हो गया के पाई स्कल टू वन यानी के की वैल्यू होगी बनोपन पाई कर देता हूं कैपिटल एफ एक्स का पीछे अभी मैंने फॉर्मला लिखाया आपको वो होता है इंटीग्रेशन माइनस इंफिटी से एक्स एफ एक्स मैं इसी का यूज कर देता हूं चलिए कर लीजिए क्या मैंने क्या किया इंटीग्रेशन कर दिया है ये जो फंक्शन है वो ये रहा ये रख दिया मैंने ये सब चीज रख दी मैंने ठीक अब यहां से के की वैल्यू जो है वो बनोपोन पाई रख दी बनोपोन पाई है ये रही और जो बचेगा अंदर का वन प्लस बनोपोन एक्स एक स्क्वायर इसको फिर से मैं टेन इनवर्स एक्स कह सकता हूं लिमिट माइनस इनफिनिटी टू एक्स अब मैं इसको क्या करूंगा जरा देखो बनोपोन पाई बाहर टेन इनवर्स एक्स यहां माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी तो वन अपॉन पाई तो बाहर टेन इनवर्स यहां ठीक टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा टेन में बाहर आ जाता है अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी फिर वही पाई वाई टू तो मैं इसको ऐसा ही कर देता हूं जरा देखो किया अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो पाई से पाई कैंसिल अंदर जाके तो हो गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई प्लस वन वाई टू फिर लेकर बस ये ही आपका कैपिटल एफ एक्स है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ एक्स ऑफ स्मॉल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स होता है पी डी एफ कैपिटल होता है प्रोबेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नेक्स्ट एक और ले लेते हैं इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एफ एक्स इज दिस है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी मीन और वेरियंस ओह तीनों चीज पूछ ली इसने चलिए सी बी जो के पूछा था पहले अब वहां सी पूछा है करेंगे सी फाइंड कराने के लिए पूछ रहा है मीन भी पूछ लिया वेरियंस भी पूछ लिया यानी अब आपको ये सारे फॉर्मूले मीन का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए वेरियंस का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ये सब चीज याद होना चाहिए ये सब लिख चुका हूं पीडीएफ आपको मिली जाएगी रख कर लेते हैं सबसे पहले सी फाइंड आउट करना है तो वही रूल लगाएंगे कि ये फंक्शन अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी माइनस से क्यों क्योंकि लिमिट दे रखी है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ये फंक्शन की वैल्यू वन होनी चाहिए यानी माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी c e टू द माइनस मोड x dx 1 फेयरली करूं अब वही कहानी स्टार्ट होती है ये c तो कांस्टेंट है k की तरह बाहर आ जाएगा ये वाला पोर्शन ओड है या इवन क्योंकि मोड लगा हुआ है मोड लगने से आप लोगों का इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला टू e समथिंग में तो ये आप लोगों का फिर वही इवन फंक्शन है तो मैं क्या करूंगा वही सब कुछ कर लूंगा टू डबल ऑफ जीरो सी बाहर आ गया इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यह माइनस एक्स अपॉन माइनस वन की लिमिट जीरो टू बाहर इसका टू वन देखो ये लिखा मैंने एक बार इन्फिनिटी रखूंगा यहां पर टू पावर माइनस इफिनिटी तो ये हो जाएगा जीरो माइनस एक बार रखूंगा जीरो ई ट्यू पावर जीरो होता है वन माइनस बाहर है ही तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस एक तरह से ये माइनस बाहर आके प्लस और ये हो जाएगा ये टू बाहर है सी बाहर है टू बाहर है सी बाहर है बाकी हो गया वन तो टू और सी बाहर है ये टू सी टू सी अंदर हो गया वन स्कल टू वन तो सी स्कल टू हो गया वहां पाई में आंसर था यहां वन बाई टू में कोई टेंशन नहीं है तो सी भी आ चुका है अब जो फंक्शन है वो ये वाला हो गया सी इट इजावर माइनस मोड ऑफ एक्स या बन बाई ट माइनस मोड ऑफ एक्स ये फंक्शन की जगह ये ले लेगा अब अब हमको मीन भी चाहिए बैरियस भी चाहिए मीन का फॉर्मला मैंने पीछे अभी दिखाया था ये होता है माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स अब मैं क्या करूंगा माइनस इन्फिनिटी एक्स इन टू और वैल्यू थी सी इट इज माइनस मोड ऑफ एक्स डी एक्स ठीक अब मैं क्या करूंगा c की वैल्यू थी बाई टू तो c को भी हटा दूंगा और इसकी जगह रख दूंगा वन बाई टू अब ये तो था आपका इवन नंबर इवन फंक्शन ये आपका ओड फंक्शन है ओड और इवन की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ओड फंक्शन आता है और रूल के अकॉर्डिंग अगर माइनस ए टू ए हो और ये ओड हो इसका आंसर आता है जीरो तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा जीरो और लिख दूंगा बता दूंगा वैल्यू अभी जीरो थी तो ये तो हो जाएगा साइडन तो खत्म अंदर बच्चा एक्स इसको मैं पहले लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर ये रहा फंक्शन ये रहा वन बाई टू ये बाहर ले लिया क्यों यहां फंक्शन सी था

डबल डिफ्रेंसेशन ऑफ ए ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ बी माइनस ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ ए फोर इंटीग्रेशन ऑफ बी ये चलता रहता है ये सबसे अच्छा मेथड है अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तुम तो लोगों को परेशानी होती हो इसमें तो ये, ऐसा कर लीजिए बस इसी को सॉल्व किया सॉल्व करके आंसर किया तो आ गया माइनस के टू यानी वेरिएंस आ गया माइनस टू मीन आ गया जीरो और सी आ गया ये अगर कभी टू मार्क्स में आएगा तो केवल सी पूछेगा थोड़ा तो लेंथ ही करना है फाइव मार्क्स के आसपास तो ये भी पूछ लेगा या ये भी पूछ लेगा तो इस टाइप से रैंडम वेरिएबल जिसमें एक लेक्चर हुआ डिस्क्रीट पर और आज का लेक्चर हुआ कंटिन्यूस पर ये कंप्लीट होता है कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट तो कर ही सकते हैं ठीक है चलिए तो इस टाइप से इसको कंप्लीट कर लेते हैं थैंक यू वेरी मच